आई विल स्टडी। एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जानने के लिए और किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को देने वाला हूँ सुत पुत्र नाटक का कथा सार संक्षेप में लिखे यानी कि सारांश देने वाला हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके ये नोट्स कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी सारांश है, ये 2 पेज में है दोस्तों। आपको एक बार पढ़ने पर पूरा का पूरा सारांश समझ में आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 11th एंड 12th साहित्य हिंदी नाटक चैप्टर 4 का है। इनको डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक नाटक है। दरअसल पहले कक्षा 12th में और मतलब पूछता था नाटक लिखिए, लेकिन इस साल से नहीं पूछ रहा है, तो ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एक युवक ने कमेंट किया था कि शुद्ध पुत्र का नाटक सर डालिए इसका सारांश, तो ये वीडियो उसके लिए अपलोड की गई है। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लगता है कि हाँ नाटक आता है, तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी एक तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये इसका सारांश है। ठीक है दोस्तों, और इसका एपिसोड भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एपिसोड डालूंगा, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। एपिसोड मतलब उसका प्रथम कृति, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग। जी हाँ दोस्तों, 4 सर्ग है, तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों इसको आपको सिंपली क्या करना है, नीचे के लिंक से आपको डाउनलोड करना है, और नीचे के लिंक से जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो आपका पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा, और सिंपली इस पीडीएफ फाइल को ओपन करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और ये ज़्यादा पेज में नहीं है दोस्तों, ये पूरा थोड़ी ना लिखना रहता है दोस्तों, ये सिर्फ पढ़ के समझने के लिए, और जो कहानी समझ में आए वही लिखने के लिए होता है। जैसे कि मैं पहले की वीडियो में ही बता चुका हूँ, ये पूरा कहानी का सारांश इसलिए लिखा गया है कि आपको अच्छे से कहानी समझ में आ सके। जैसे कि एक फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा जाता है ना, वैसे ही इसको लिखा गया है। ठीक है, तो अगर जैसे कि आप पूरा फिल्म देखते हैं, ये तो नहीं ना कि पूरे फिल्म की हर एक बात आपको याद हो जाती है, नहीं ना, कुछ एक्शन सीन होता है, मतलब कुछ सीन ऐसे होती हैं जो याद हो जाती है, तो इसमें भी दोस्तों ऐसे ही सीन आपको मिलेंगे जो आसानी से याद हो सकें और आप उसको आसानी से लिख सकें। तो बस दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप इसको पढ़िए, समझिए और जानिए, उसके बाद आप इस कहानी से क्या समझें तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। दोस्तों डाउनलोड में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। दोस्तों एक टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, UPB 2020 के नाम से। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।